क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल की पोएम नंबर 3 आज हम करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन। वॉल्ट विटमैन इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। द वॉइस ऑफ द रेन का मतलब है बारिश की आवाज़। तो एक पोएम है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये पोएम जो है वो एक कन्वर्जेशन है पोएट और बारिश के बीच में। तो ऐसा कन्वर्जेशन आज हम देखने वाले हैं जिसमें पोएट क्वेश्चन करते हैं बारिश को, और बारिश जो है वो उनके क्वेश्चन के रिप्लाई में उनको आंसर देती है, जवाब देती है। तो देखते हैं क्या पोएम है और क्या पोएट बारिश से पूछ रहे हैं। एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। पोएट कह रहे हैं कि मैंने धीरे धीरे गिरती हुई बारिश से पूछा कि तुम कौन हो। यहाँ धाउ का मतलब है यू, धाउ ये पुरानी लैंग्वेज है शेक्सपियर के ज़माने की। तो यहाँ पर पोएट जो है वो धीरे धीरे सॉफ्टली जेंटली गिरती हुई बारिश को क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि तुम कौन हो, हु आर्ट दाउ। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर, यानी कि पोएट कह रहे हैं कि ये कहना बहुत ही विचित्र सा है कि बारिश ने मुझे आंसर दिया। यानी कि पोएट ने जब बारिश को क्वेश्चन किया कि तुम कौन हो, तो बारिश ने उनको आंसर भी दिया। तो ये बताना यहाँ पर पोएट कह रहे हैं, विच इज़ स्ट्रेंज टू टेल, यानी कि ये कहना बहुत ही विचित्र है। क्यों विचित्र है? क्योंकि बारिश वैसे तो बात नहीं करती है, लेकिन यहाँ पोएट के साथ बात की उसने, इसलिए वो कह रहे हैं विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर, यानी कि बारिश ने मुझे जवाब दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, और जैसे बारिश ने जवाब दिया उसे यहाँ पर हमारे सामने ट्रांसलेट किया गया है या तो रखा गया है। तो बारिश ने क्या जवाब दिया जब पोएट ने क्वेश्चन पूछा? पोएट ने क्या क्वेश्चन पूछा था? एंड हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो। तो उसके जवाब में बारिश यहाँ कहती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यानी कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि रेन ने कहा, बारिश ने कहा कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। एटर्नल आई राइज इम्पेलेबल, यानी कि मैं ऊपर उठती हूँ। इम्पेलेबल, इम्पेलेबल का मतलब है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको हम टच नहीं कर पाते हैं। और ये स्वाभाविक है कि बादलों को, बारिश को हम टच नहीं कर पाते हैं, बादलों को हम छू नहीं पाते हैं। एटर्नल यानी कि अनंत, यानी कि एंडलेस जिसको हम कह सकते हैं। तो ऐसे मैं यहाँ से उठती हूँ, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, यानी कि इस पृथ्वी से, इस ज़मीन से मैं उठती हूँ, एंडलेसली ऊपर ही उठती जाती हूँ, जिसे कोई टच नहीं कर पाता है। एंड द बॉटमलेस सी, यानी कि ये जो गहरा समुद्र है उस समुद्र से मैं ऊपर उठती जाती हूँ। इससे तात्पर्य ये है कि जो भाप बनती है यहाँ पर ज़मीन के ऊपर, जो पानी है पृथ्वी के ऊपर, जो पानी है उस पानी से जो भाप बनती है और वो आकाश में जाती है, नभ में जाती है, स्काई में जाती है, और वहाँ जा कर के वो बादलों का रूप लेकर के फिर बारिश के रूप में गिरती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं, यानी कि बारिश यहाँ पर कह रही है कि एटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, यानी कि इस धरती के ऊपर से, इस गहरे समुद्र से मैं ऊपर उठती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, मैं ऊपर उठती हूँ तो कहाँ जाती हूँ? अपवर्ड टू हेवन, हेवन से मतलब है यहाँ पर स्काई। वेंस, वेंस का मतलब है फ्रॉम वेयर, वेगली फॉर्म्ड, और जहाँ जा कर के वेग यानी अनक्लियर, वेगली मतलब अनक्लियरली, अस्पष्ट रूप से फॉर्म्ड, यानी कि मेरा जो स्वरूप है वो आकार लेता है, बदल जाता है। ऑल टुगेदर चेंज्ड, और चेंज तो हो जाता है लेकिन क्या चेंज हो जाता है? चेंज्ड इनटू क्लाउड्स, यानी कि मैं यहाँ से पानी से भाप के स्वरूप में ऊपर जाती हूँ और ऊपर जाके बादल के स्वरूप में मैं बदल जाती हूँ। एंड येट द सेम, और फिर भी मेरी जो कंटेंट है वो तो सेम की सेम रहती है, यानी कि मैं चाहे पानी के स्वरूप में हूँ, चाहे भाप के स्वरूप में हूँ, चाहे बादल के स्वरूप में हूँ, लेकिन मैं हूँ तो आखिर में पानी ही, यानी कि भले ही मेरा स्वरूप बदलता हो, मेरा फॉर्म बदलता हो, लेकिन मैं पानी के ही स्वरूप में रहती हूँ। ऐसा बारिश ने पोएट को कहा।
आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, और फिर क्या करती हूँ मैं, डिसेंड यानी कि ऊपर से नीचे आना, टू मूव डाउनवर्ड्स, मैं नीचे आती हूँ। क्यों नीचे आती हूँ, टू लेव द ड्रॉट्स, लेव का मतलब है वॉश आउट, यानी कि मैं वॉश कर देती हूँ किसको, ड्रॉट्स को, सूखे को, जो अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, उसको मैं वॉश कर देती हूँ। एटमीज, एटमीज का मतलब यहाँ पर टाइनी पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, धूल के, उसको मैं वॉश कर देती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब यानी ये पूरी पृथ्वी के ऊपर जो डस्ट लेयर्स होते हैं उनको मैं वॉश कर देती हूँ, उसको मैं बहा देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, और वो कह रही है कि ये सारी चीज़ें यानी कि जितनी भी वेजिटेशन इस पृथ्वी के ऊपर है, जीव सृष्टि है इस पृथ्वी के ऊपर, वो मेरे बिना कुछ नहीं है। वो कह रही है कि सीड्स ओनली, यानी कि जब तक बारिश ज़मीन के ऊपर नहीं पड़ती तब तक जो बीज है वो बीज के रूप में ही रहेंगे, बीज पौधे में परिवर्तित होंगे तब जब बारिश गिरेगी, बीज वृक्ष में परिवर्तित होंगे, जंगलों में परिवर्तित होंगे, बीज जो है वो हरियाली में परिवर्तित होंगे, घास में परिवर्तित होंगे, लेकिन कब, जब बारिश गिरेगी। तो यहाँ पर बारिश का एक महत्व बताया गया है कि बारिश के बिना सिर्फ ये जो जंगल है, जितने भी पेड़ पौधे घास सब कुछ है, वो बीज ही रह जाएंगे, वो कभी भी पनप पाएंगे नहीं, अंकुरित नहीं हो पाएंगे, उसमें से जंगल नहीं बन पाएंगे। लेटेंट अनबोर्न, लेटेंट का मतलब है यहाँ पर हिडन, अनबोर्न यानी कि जो जन्मा नहीं है वो, यानी कि मेरे बिना ये सारे के सारे बीज हिडन रहेंगे, छिपे हुए रहेंगे और जन्म ले पाएंगे नहीं, यानी कि वो पनप पाएंगे नहीं। तो यहाँ पर बारिश ने अपना महत्व भी बता दिया है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और हमेशा के लिए बारिश कह रही है कि रात दिन मैं क्या करती हूँ, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मेरा जो ओन ओरिजिन है, मेरा जो खुद का उत्पत्ति स्थान है, उद्भव स्थान है, उस स्थान को मैं जीवंत बना देती हूँ। उसका उद्भव स्थान क्या है, पृथ्वी ही है, क्योंकि यहाँ से भाप बन के पानी जो है आकाश में जाता है, और आकाश में जाने के बाद वो बादलों का स्वरूप ले लेता है और फिर वापस वो ज़मीन पर गिरता है, तो यही ओरिजिन हुआ। तो इसी ओरिजिन को मैं जीवंत बना देती हूँ, हरियाला बना देती हूँ, पूरा लाइफ से भरा हरा भरा बना देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और मैं इस जीवन को कैसा बना देती हूँ, पृथ्वी के ऊपर जो रहा है उसको प्योर यानी कि शुद्ध बना देती हूँ, पवित्र बना देती हूँ। एंड ब्यूटीफाई इट, उसको सुंदर भी बना देती हूँ, यानी कि हरी भरी हरियाली जब हो जाती है, जब बारिश गिरती है तो हम देखते हैं पेड़ पौधे पनप जाते हैं, घास उगने लगती है, जंगल हरे भरे हो जाते हैं और पूरा वातावरण एकदम सुंदर और हरियाला हरियाला बन जाता है। तो यहाँ पर जो ये बारिश है वो अपने बारे में वो बता रही है। जब पोएट ने पूछा था कि तुम कौन हो, हु आर यू, जब ऐसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसके जवाब में बारिश ने दिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट में जो लास्ट में दो लाइन दी गई है वो बारिश की नहीं है, वो हमें पोएट बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं देखते हैं। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, यानी कि कोई भी सॉन्ग होगा जो इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, उसका बर्थ प्लेस किसी भी सॉन्ग का क्या होता है, गाने वाले का मुख, यानी कि जो गायक है उसके मुख से जो गीत निकलता है, जो सॉन्ग निकलता है, आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, यानी कि फुलफिलमेंट के बाद वो वंडरिंग करता हुआ, रैक्ड और अनरैक्ड, यानी कि वो किसी ने सुना हो या ना सुना हो, किसी ने उसके ऊपर ध्यान दिया हो या ना दिया हो, लेकिन वो घूमता हुआ क्या होता है, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, लेकिन वो वापस आ जाता है प्यार के साथ, प्रेम के साथ। तो यहाँ पर पोएट का कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी गाना हो जो किसी भी गायक के मुख से जब निकलेगा तो वो गाना कोई सबके कानों में पड़ेगा, कोई सुनना चाहे या ना चाहे, लेकिन कानों में तो पड़ेगा ही, और फिर वापस वो रिटर्न आ जाता है उस गाने वाले के पास, प्यार से भरा हुआ। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन की गई है इस रेन के साथ, क्योंकि सबसे पहले जब यहाँ पर पोएट के प्रश्न के जवाब में, उत्तर में जब रेन ने कहा कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, यानी कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ, तो इसका कंपैरिजन एक गाने के साथ, सॉन्ग के साथ किया गया है। तो इस बात का जवाब यहाँ पर नीचे दो लाइन में हमें मिलता है कि उसको पोएम क्यों कहा गया, इस जो रेन है उसको पोएम क्यों कहा गया। तो पोएम इसलिए कहा गया कि जो रेन है वो मतलब पृथ्वी से निकलता है, पृथ्वी उसका ओरिजिन है,
और वो भाप के स्वरूप में आकाश में चढ़ता है, स्काई में जाता है और वहाँ जा करके वो बादलों का रूप ले लेता है और फिर वापस वो आता है, ज़मीन पर आता है। फिर चाहे किसी को बारिश की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन बारिश तो सबको समान रूप से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पेड़ पौधे से, किसी भी जंगल से, किसी भी एरिया से, भेदभाव किए बिना, डिस्क्रिमिनेशन किए बिना वो सब पे समान रूप पर से गिरती है और सब लोग उसका आनंद लेते हैं, सब लोग उसका लाभ उठाते हैं और सब जो ये जीव सृष्टि है वो जीवित रहती है। तो उसी प्रकार जो गाना है जो गायक के मुख से निकलता है और वापस प्रेम के साथ लौट के आता है, उसी प्रकार ये ओरिजिन से यानी कि पृथ्वी से भी ये पानी ऊपर उठता है और वापस लौट करके आता है। तो ये था पोएम वॉल्ट व्हिटमैन का, इसका टाइटल था द वॉइस ऑफ द रेन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पोएम बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।